देखो हमें क्या मिला भाई। इधर साउथ अफ्रीका में लोग इतने आलसी हो गए हैं, डाइस्ड अनियंस मिल रही हैं। अंश क्या काम है इनका, डाइस्ड अनियंस का, और छिले हुए आलू मिल रहे हैं। मतलब क्या है ये, समझ नहीं आ रहा मेरे को। छिले हुए आलू, छिला हुआ पेठा, बैंगन, चलो अच्छी बात है छिलके नहीं दिया, पर ये भी अगर ढूंढूंगा छिलके मिल जाएगा मेरे। और क्या क्या, अबे बेबी मेरा, ये क्या है, ये तो जुकीनी लग रही है यार। भाई कलयुग है भैया, कुछ भी बिक सकता है। और क्या भाई, हमारे वहां तो बहुत काम करता है वैसे घर में ना। भाइयों मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ की सड़कें, मतलब क्या ही एक्सप्लोर है, वो हमारा शो है, हम यहाँ आ गए थे, ये गली हमने देखी नहीं थी। और ये सामने एक प्यारा सा गेट सा देखा, RSS आर्म्ड रिएक्शन कुछ करके, पर ये देखते ही दिमाग में आया यार इसे तो वीडियो में लेना पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया है एकदम हरियाली वरियाली। मेरे साथ अंश भाई हैं, और इस देश में ना नज़ारे ही बढ़िया हैं। सच बात यही है, इस देश में सिर्फ नज़ारे बढ़िया हैं और कुछ मैं क्या ही कहूँ। लाइट जाती है इधर, क्यों जाती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लाइट क्यों जाती है यहाँ पे, सिर्फ नज़ारे ही अच्छे हैं। मतलब आ रहे हो तो घूमने आ जाओ, रहने तो बिल्कुल मत आ जाना, मेरी एडवाइस ले लो। हम पता ही नहीं क्यों आ गए यार, नॉट टू बी सैडेस्ट हियर बट इट्स द ट्रुथ, यहाँ के सिर्फ नज़ारे अच्छे हैं। अब ये देखो, ये पोर्शन नहीं दिखाते ना लोग, ये दिखाते हैं इस पोर्शन में, वैसे पर हम एक्सप्लोर करते हैं, पर ये हमारा गुड़गांव का ट्रैक है। चलो भाई चल देखते क्या है आगे, दिक्कत आ रही है। और दूसरे तो भाई हमें लगा कि यार रोड वहीं बंद हो जाती है, पर ये रोड तो चली जा रही है, क्या करना है अंश भाई। चलो यार टाइम तो नहीं है यार, चलो चल। अरे रोड जा कहाँ रही है, ये पता कहाँ जा रही है? हाँ जहाँ पे आगे वाली रोड कनेक्ट होती है। अरे वहाँ पे आओ, देखते। नहीं यार वो दूर हो जाएगा ब्रो। अरे आओ ना, वो कैसे बुला रहा है तू, आओ ना। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ विदेश जाओगे सब अच्छा है, रोड अच्छा है, सब बढ़िया है, तो ये देख लो एक बार भाई, यहाँ पे भी लोग रहते हैं, और लोग भाई मैं सच कहूँ हर जगह सेम ही होते हैं, बोटले कांच की सब पड़ी हुई है, चाहे इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, यूएस हो, हर जगह सबके ऐसे ही हैं। कुछ एरिया अच्छे हैं जो दिखा दिए जाते हैं, वो कुछ एरिया बुरे हैं जो दुबका दिए जाते हैं, सिंपल सी बात, इतना ही फर्क आ जाता है बस। अभी देख लो ना, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं बिना साउथ अफ्रीका बोले चलूँ तो लोग मानेंगे ही ना यार, अपने गाँव वाँव से मैं चल रहा होगा, बढ़िया सा जगह है यहाँ तक कि मेरा गाँव इससे बढ़िया है, रोड भी पक्की बन गई है तो। पर यहाँ पे एक बात है, जो रोड एक बार बन गई वो बढ़िया, उस पर काम होता रहेगा, टूट भी जाए तो काम होता रहेगा, पर जो नहीं बनी जैसे ऐसे वो खाली ही पड़ी रहती है, उस पर कोई काम ही नहीं होता, घास भी उगने लग गई रोड पे। और यहाँ का AQI पता ही नहीं ऐसा क्यों है, मुझे यही समझ नहीं आता ऐसा क्यों है इधर, यहाँ की MNC होगी इधर पता नहीं होगी, पर यहाँ पे होता ही नहीं, कोई रोड डैमेज तो डैमेज ही है, जो बन गए हैं उन पर काम होता है और जो नहीं बने उन पर कुछ ध्यान ही नहीं देता कोई। यहाँ का AQI 41 है, पेड़ वेड़ बढ़िया है, क्योंकि हम रह भी तो एलिवेशन पे रहे ना काफ़ी, 4500 फीट पे रह रहे हैं हम, यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती रहती हैं तो इसलिए इधर गर्मी थोड़ी कम लगती है, वैसे गर्मी है इधर पर कम लगती है कंपेरिजन में। अंश भाई कुछ कहना चाहोगे? AQI 41 है यहाँ पे, दिल्ली में 350 नॉर्मल होते हैं 100 से नीचे। AQI का मतलब इनका एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी यहाँ की कितनी है? 41 अरे भाई तभी तो मैं जब इंडिया गया था मेरे को भारी भारी लग रहा था एकदम। सही भाई ऐसे तो भाई हमने ये कुछ प्रॉपर्टी देखी, बिल्कुल दरवाजे वराजे सब खुले हुए हैं, प्राइवेट तो शायद ही होगी, DDLJ की शूटिंग यही हुई थी, यहीं पे शाहरुख खान खड़ा था बीच में ऐसे, यहाँ से काजल भागती साउथ अफ्रीका ही तो आए थे भाई वो तेरे शूटिंग के लिए, और ये कुछ बना रखा है इधर खाली एकदम खंडर है। आई थिंक वी
भाई यार यहाँ के पंछी भी ऐसे कुछ आवाज निकाल देते हैं, डरा देते हैं। आई थिंक वी हैव फाउंडेड अ हॉन्टेड प्लेस इन साउथ अफ्रीका। फाउंडेड इंग्लिश में गा रहे हैं। सॉरी, आई थिंक वी हैव डिस्कवर्ड। ईएलपी में 6 मिले हैं भाई, मिले हैं तो थिंक वी हैव डिस्कवर्ड अ हॉन्टेड प्लेस इन साउथ अफ्रीका। भाई रात को तो फट जाए यहां पे आके। हां भाई बिल्कुल। और केला एकदम ये पता नहीं क्या ही बना रखा है, क्यों ही बना रखा है। आई थिंक वी शुड लीव क्योंकि आगे ना वो झोपड़ियां टाइप बनी हुई है। आई थिंक Ans is correct. We should leave him. तो भाई हमारी वॉक होती है ख़त्म, हम उसी रोड पे आ गए हैं। आगे तक जाने का मन नहीं किया हमारा क्योंकि लंबा ही जाया जा रहा था वो। तो किसी और दिन हम करेंगे इसे। अंश भाई की गैल हम सो जा रहे हैं क्योंकि हमें और भी काम है, तो सो मिलते हैं ठीक है। आज के दिखाते हैं दिन का क्या शेड्यूल है मेरा। तो भाई अब अभी हम जा रहे हैं, दोपहर के बज रहे हैं, कितने 12 बजने वाले हैं। अंश भाई, पाव भाजी और मैं चेकर्स जा रहे हैं। मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। ये दूसरी बार जा रहा है, ये सुबह भी चला गया था कुछ सामान लाने, अब मैं पहली बार जा रहा हूँ। चेकर्स दिखाता हूँ तुम्हें क्योंकि पाव भाजी निकलने वाला है यहाँ से इंडिया के लिए, तो चेकर्स दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या क्या चाहिए उसे, देख फिर बाद में मिलते हैं ठीक है। चलो अबे पीनट रेजिन सॉल्टेड ब्रो, 1 किलो अबे 2 for 150। सब छोड़ दे, ये देख नट क्रैकर। नट क्रैकर भाई साहब 34 के भाई। अबे पीनट्स देख भाई, 150 की 2 मिल रही हैं। अबे इतने की भाई खराब हो। आलमंड की फ्लेक्स भाई, आलमंड को भी मतलब कोई लोड ना पड़े, साइड में आलमंड दे रखा है, उसकी फ्लेक्स दे रखी है। बनाना चिप्स भाई, इंडिया चलो, गुड फॉर फैट लॉस। मेरे को नहीं करना ना फैट लॉस। फिर में भाई है क्या कुछ नहीं कर रहा। क्या है ये, क्या है ये, 1 सेकंड, ये क्या है इधर, 1 सेकंड। नॉरेंड का यार डिस्कम तो सस्ता सा लग रहा है यार, क्यों पाव जी हैं। हां सस्ता है, कितना था वो? 15,000। ये 15,000 का? हां भाई जिमी छोटा है। हाँ भाई दे दो, कितने का हो गया भाई? पाव भाजी हमारा अमीर आदमी है, 6,000 रुपए की शॉपिंग ब्रो। ओह माय गॉड।